और याद रहे, हमें ये सब अंश के सामने करना होगा ताकि उसे भी मोना की असलियत का पता चल जाए। तुम सब समझ गए हो? यस डैड। लगता है वो लोग आ गए। सबको छुपा दिया ना? यस डैड। चलो। नमस्ते वैदर्शी जी। नमस्ते निशान जी। आइए ना अंदर आइए। हाय, कैसी हो? तुम्हारे लिए या? माफ कीजिएगा निशान जी, आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया हमने कुछ तैयारी करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंश, तुम वहां नहीं, यहां बैठो। अंश को भी वहीं बिठाएंगे ताकि जब हम मोहना पे अटैक करें तब वो अपनी जगह से हिल ना पाए। क्यों? समझा कर अंश, हो सकता है पिया तुझे अपने पास बिठाना चाहती हो, इसलिए कह रही हूं। बैठ जाना। वैसे निशान जी, एक बात कहूं, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके घर पिया जैसी बेटी पैदा हो। वैसे भाभी, किस्मत वाले तो हम भी हैं जो पिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? टॉफी? हम बच्चे थोड़ी जो टॉफी खाएंगे। ताली, कॉफी, कॉफी, कॉफी। नहीं नहीं, चाय चलेगी, वो भी तुम्हारे हाथ की। मैं अभी ले आती हूँ। पिया दी, चलिए। बेटा, चाय के साथ मिठाई और स्नैक्स भी। ओके डैड। और अंश, सब ठीक है बेटा? वो बात ये है कि शगुन की थाली रोका सेरेमनी के लिए जो है वो अंदर कमरे में पड़ी है, मैं उसे लेकर आ जाता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। जी जरूर।
तुम दोनों तैयार हो? यस डैड। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो। ये बेटा अंश को चाय दो। ये आवाजें मुझे कहां से सुनाई दे रही थी? हमें चलना होगा। आज लेकिन अभी तक रोके की रस्म भी खत्म नहीं हुई, अभी कैसे जा सकते हैं? होगी भी नहीं। चलिए यहां से, यहां खतरा है। अरे अंश क्या बोल रहा है तू? मुझे समझने की कोशिश कीजिए और चलिए यहां से। चलिए पिया, पिया। जाइए यहां से, क्या खतरा है? अंश लेकिन अब चले जाइए मां। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती तुझे छोड़ के। आजी प्लीज प्लीज चले जाइए। भाभी अंश की बात मानिए, कोई वजह होगी। चलो चलो मोना, मोना मोना चलो। नहीं आपको जाना होगा, यहां पर खतरा है। जाइए प्लीज जाइए मोना, मेरी कार चलो चलो। भागिए मां भागिए।